Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. आप लोग देख रहे हैं सैयद शहरोज अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं ब्लॉग का आगाज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जा रहे हैं बाहर और आप लोगों को भी लेके चलते हैं बाहर। क्या क्या काम है, दो इम्पोर्टेंट काम है हमारे। चलें व्लॉग में ज्वाइन हो जाएं और देखें ज़रा दो काम हमारे हैं क्या। तो चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं जल्दी से। 2000 years later. See, हम घर से निकले हैं लगा हुआ, आज भी मंगलवार, आज मंगल का दिन है। हम जब फिर बाहर निकले हैं घर से तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ देखें मंगलवार लगा हुआ है। हमारा फर्स्ट मिशन है बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा ATM जो है वो पता नहीं किस वजह से बंद हो गया, क्या हुआ अल्लाह बेटा जाने, खत्म गया। अब वो बैंक जाएंगे तो पता चले, हम बैंक जाना है हमें, लेकिन उसके लिए क्योंकि पैसे तो ATM से निकलेंगे, चेक से निकलेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी हो गया फोटो कॉपी लगाना है NIC, तो वो अभी हमें रास्ते में कहीं नहीं मिली। अब एक दुकान मिली है, दिख रही होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम रुके हैं फोटो कॉपी कराने के लिए, देखते हैं अगर यहाँ भी हो गए। एक दुकान पहले भी रुके, वहाँ भी नहीं हुई, अब यहाँ देखते नहीं, यहाँ भी नहीं हुई, अब आगे जाके देखना पड़ा। वो देखें जा रहे हैं कराने NIC की कॉपी सामने, देखते हैं कि हो पाती है नहीं हो पाती। आ चुके हैं बैंक की तरफ और काफ़ी हद तक रश हो रहा है। अब देखिए कितना टाइम लगता है, क्या होता है, चेक हमारा क्लियर होगा भी नहीं होगा, अल्लाह पता जाने क्या मामला होता है। अभी अंदर भी नहीं है, देखने को आ जाए तो पता चलता है क्या होता है। देखना ज़रा कितना रश हो रहा है, गाड़ियाँ लेकिन लोग आ रहे जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का है बैंक तो सब यहीं पर आते हैं, ज़्यादा टीचर हो, इसकी हो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के सब यहीं से लेते हैं कमीशन, सैलरी वगैरह ये हो। तो चलें देखते हैं ज़रा कितना टाइम लगता है, मैं लगता हूँ बहुत से डॉक्टर के पास भी पहुँच रहे हैं, MRI भी लेंगे भी दस्ते। गाइस अभी तक अम्मी आई नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया अंदर देखने गए कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ, इतनी देर लग गया। हमारे बाद के जो आए थे हम लोग इतने सीधे, हमारे पास वाले आए थे हमसे पहले चले आते हैं हर जगह पर, लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं, इतने कोई सीधे हैं। अभी गए अंदर देखेंगे भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ। हम लोग तकरीबन कोई 2:30 बजे आए थे बैंक के बाहर, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। पौने 5 के करीब टाइम हो रहा है, गेट ठक बंद कर दिया, देख रहा हूँ आप लोग बैंक का। अभी भी देखें ज़रा कितना वक्त लगता है क्या होता है। बायोमेट्रिक असल में नहीं हुआ था, वजह पता चल गई अब, लेकिन बायोमेट्रिक लिए अभी लाइट जा चुकी है। अब देखें क्या होता है, जनरेटर तो चल रहा है लेकिन कब तक और टाइम लगता है पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये क्या अच्छा है, आज हो जाएगा काम तो हो जाएगा ना, फिर वो पेंडिंग में ले जाता फिर मसला है। लाने शुरू की तारीखें रश होगा, तो अभी देखते हैं मैं कितनी देर में और टाइम लगा के आती हैं। बाकी में जो मसला हुआ है नो मेरी सर्टिफिकेट का, ये है नो मेरी सर्टिफिकेट। और हाँ, डॉक्टर का जो क्लिप है वो भी रह गया, वो बना ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने अभी देखा था, वो तो जब बनाना था और रोकना था, वो रोकना था तो शुरू हो गया वो ब्लॉग। अरे कहना क्या चाहते हो, अजीब सीन हो जाता है मेरे साथ, मुझे अभी तक आदत नहीं हो सक रही कि वो जहाँ शुरू करना होता है वहाँ एंड हो जाता है, जहाँ एंड करना होता है वहाँ शुरू हो जाता है कैमरा। अल्लाह यानी क्या मसला होगा ये मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, मिस हो गया जाने देते हैं उसको। फाइनली अब हम रुके हैं अपनी MRI के लिए, बोरा सामने हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा अपने डेंट से बराबर। ये देखिए सर, मैं दिखाता हूँ जल्दी करके आप लोगों को, ये रहा हमारा हॉस्पिटल। अब हम यहाँ से MRI लेते हैं और वहाँ रुकी भी है पुलिस की कार, और बार बार वो आगे हमें बोल रही है कि आगे निकलो क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो आई, फिर मैंने उसको इशारा करा वो चले गई। अब देखते हैं अभी हम लोग गाड़ी अगर आगे लेके जाते हैं और ये यानी कि हमें रोकती है नहीं रुकती है भी देखते हैं ज़रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ना हमारे ताकुब में रोकेगी, क्योंकि यहाँ ही तो मैंने इशारा कर दिया उसको, लेकिन अब देखते हैं ज़रा वो क्या करती है कि वहाँ हमें रोकती है नहीं रोकती, क्योंकि वहाँ जाना घूम के बहुत मुश्किल काम है। और हमने कोई साइड में लगाई थी, कोई नो पार्किंग में थोड़ी लगाई थी, और मजबूरी है कि वहाँ से लाना और मसला है, तो फिर इसलिए आप देखते हैं हमें आगे रुकते हैं या नहीं रुकते। इस टाइम है पेट्रोलिंग टाइम। अब हम इस वक्त आपको पता है मामूल के मुताबिक इसी PSO से करवाते हैं पेट्रोल रिफिल, तो अभी देखें ज़रा कितना रश हो रहा है। PSO है भाई, इसके अलावा कोई भी नहीं फिर। फाइनली अब हम आ चुके हैं घर पर, और घर पर आने के मतलब लग रही है बहुत भूख। खाना भी इस वक्त बड़ा मज़ेदार है, चले हैं खाने दिखाता हूँ आप लोगों को। खाना इस वक्त हमारे पास नहारी, थोड़ा इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह डालते हैं। थकान आने के बाद अगर ऐसा खाना मिल जाए तो सारी थकान उतर जाती है। और ये है टिक्का, पता नहीं कौन सा टिक्का, लेकिन मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं यही खाऊँगा बस, क्योंकि मैं चिकन का कुछ नहीं खाता। चले आप लोग खाएँ, मैं खाता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम्म,
अच्छा बना खाना, मैं खाना खाता हूँ फटाफट से, फिलहाल लोगों से मिलता हूँ फटाफट। ये बहुत छोटा सा ब्लॉग था और आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, शोर बहुत था बाहर। असल में बाहर जाने का मकसद ये होता है कि ब्लॉग कैसे बनाए बंदा, और जो क्लिप अच्छे से बनने के हों वो रह जाते हैं। मैं क्या करूँ, कोशिश मैं करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। और हाँ, कल जाना है UC ऑफिस, वहाँ से नॉर्मली सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हम कल जाएंगे और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। और 4 जनवरी भी है, तनबिया की बर्थडे भी है, तो देखते हैं ज़रा क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलें इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।